बीती 31 जुलाई को मेवात नूह में सावन ब्रिज मंडल यात्रा पर सुनियोजित तरीके से किए गए हमले के कारण विशेष समुदाय के खिलाफ भारी रोष बना हुआ है। इसी मामले में पिहुवा के धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के आह्वान पर आज रोष मार्च निकाला गया। आज शाम 4 बजते ही सरस्वती मंदिर के नजदीक हिंदू समाज से जुड़ी संस्थाओं के कार्यकर्ता इकट्ठे होना शुरू हो गए और देखते ही देखते काफी संख्या में लोग पहुंच गए। एकत्रित हुए लोगों ने कहा कि मेवात नूह में हिंदुओं द्वारा निकाली गई धार्मिक यात्रा पर विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले शरारती जिहादी तत्वों द्वारा बर्बरतापूर्ण जानलेवा हमला करके 5 लोगों की जानें ली गई और बहुत से लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष समुदाय की हरकत पर बहुत ज्यादा रोष है। इस हमले के विरोध में शहर भर में आज रोष मार्च निकाला गया और फैसला लिया गया कि आगामी सोमवार 7 अगस्त को पिहोवा शहर 9 बजे से 2 बजे तक पूर्णतया बंद रहेगा। इसके लिए शांतिपूर्वक रोष मार्च सरस्वती सरोवर से सब्जी मंडी पुराना बाजार अमाला रोड होते हुए प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा। रोष प्रदर्शन के दौरान हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि मेवात नूह में जो हालात हुए वो सुनियोजित प्लान माना जा रहा है जिसको लेकर सरकार का खुफिया तंत्र भी पूर्णतया फेल रहा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री हरियाणा को भी जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर रामधारी शर्मा, जगदीश तनेजा, मांगेराम कौशिक, अजय कोरियोग्राफर, सोनू गोयल, राकेश पुरोहित, लक्की शर्मा, एडवोकेट योगेश दत्ता, रोशन शर्मा, जगदीश मोर, राकेश शर्मा, मनमोहन चक्रवाणी, तुलसी वर्मा आदि मौजूद रहे। जो मेवात में हमारे हिंदू भाइयों पे और हमारी माता बहनों पर अत्याचार हुआ है, जो मेवात के अंदर बहुत ही उनको जान माल से उनकी गाड़ियां फूंक दी गई, आज पिहोवा की इस धार्मिक नगरी में सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा व सभी पिहोवान वासियों द्वारा उसके विरोध में शांतिपूर्वक आज पिहोवा नगरी और दुकानदारों से अपील की जा रही है कि जो मेवात में हमारे हिंदू भाइयों पर हमला हुआ उसके विरोध में सोमवार को 9 बजे से 2 बजे तक पूर्ण रूप से बाजार बंद रहेगा और अपनी और हमने सभी दुकानदार भाइयों से अपील है कि अपनी एकता का प्रदर्शन करें और इस बंद को सफल बनाएं। भारत माता की जय। खबर नामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।